मुस्तकबिल में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और चूंकि
गुजारिश करूंगा कि शेख आए और अपने सदारती कलमा पेश करें और से हम तमाम मुस्तफीद हों। हमारी खवातीन हैं मुअज्जज माए बहनें, उनसे कि ये मालूमात और इल्म
ये अमल की दलील है, ये अमल की दलील है, और ये दलील हुज्जत बनती है उनके लिए जो लोग इल्म हासिल करते हैं, और वही हुज्जत उनके मुआफिक हो जाती है अगर दलील के मुताबिक अमल होता है, वरना वही हुज्जत उनके खिलाफ बन जाती है। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान या तो तुम्हारे हक में हुज्जत बन जाएगा या तो तुम्हारे खिलाफ हुज्जत बन जाएगा। इसलिए इल्म की जो मुराद है, इल्म का जो मकसद है, हमें समझना है और बहुत अच्छी तरह से सीरियसली उसे लेना है। हमने जो इल्म हासिल किया, इस मौके पर मुझे एक बात याद आई, अल्लामा खतीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम अता के हवाले से एक वाकया अपनी शोहरा आलम आफाक किताब इख्तिदाउल इल्म में नकल किया है। उन्होंने नकल किया है कि एक नौजवान आया करता था उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास। एक नौजवान आता था, सवाल करता था, वो जवाब देती थी और उस मसले से मुतालिक हदीस बताती थी। वो बार बार आता था। एक दिन माई आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उनसे पूछती हैं, कहती हैं, बेटे ये बताओ कि तुम बार बार आकर के सवाल करते हो, मसले पूछते हो, मैं तुम्हें तालीम देती हूँ, सुन्नत और हदीस बताती हूँ, अच्छा बताओ ईमानदारी से कि जितनी बातें तुम सीखते हो उस पर अमल भी करते हो। तो नौजवान ने सच्चाई से बताया, कहा अम्मा नहीं कर पाते, सारी चीज़ों पर अमल नहीं हो पाता है। तो माई आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, देखो बेटे, जो इल्म तुम्हें मिलता है अगर तुम उस पर अमल नहीं करते तो ये समझ लो अल्लाह की हुज्जतें कायम हो रही। अल्लाह की हुज्जतें, इन सारी कोशिशों का मकसद क्या है कि इल्म रोशनी बन जाए रास्ता चलने के लिए, अकीदे का, अमल का, इबादत का, अखलाकियात का, मुआशरत का, घरेलू जिंदगी का, जितने भी हमारे ग्राउंड हैं और जहाँ जहाँ भी हमारे कदम पड़ते हैं उसमें हम इल्म की और दलील की रोशनी में चलें। और ये मकसद है, फिर ऐसा इल्म, ऐसी मजलिसें, ऐसे मुसाबिके और ऐसी सारी कोशिशें इबादत हो जाती हैं। लेकिन अगर इल्म हासिल करने के पीछे ये जहन नहीं है कि इल्म दलील राह है, ये दलील अमल है, तो सलफ कहा करते थे, सलफ कहते थे इल्म दुनिया है। क्या कहते थे? अल इल्म कुल्लुहु दुनिया, कहते थे इल्म दुनिया है, कुल का कुल। इल्म हासिल करने के बाद जितना अमल किया गया उतना आखिरत का हिस्सा है, और उसके अंदर अदब पैदा होता है। अपने छोटों का हक एक इल्म वाला समझता है, अपने बड़ों का हक एक इल्म वाला समझता है। जो इल्म वाला नहीं होता, इल्म का कदरदान नहीं होता, वो सारा का सारा हक दूसरों पर समझता है। लेकिन इल्म वाला जो होता है वो क्या समझता है? मेरे ऊपर कितने हुकूक हैं, चाहे बड़े के चाहे छोटे के, शौहर के, बाप के, माँ के, भाई के, आलिम के, आम लोगों के, यानी जो लोग भी हैं समाज में जहाँ से भी जुड़ा है, एक मर्द हो या औरत, वो समझता है कि मेरे ऊपर हुकूक है। क्यों? एक उसूली बात वो जानता है इल्म की बुनियाद पर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तुम में का हर आदमी जवाब दे रहा है, यानी हर आदमी के ऊपर हाथ है। अगर हर आदमी अपनी जगह पर एक आलिम हो, जिम्मेदार हो, या हमारा आम भाई हो, बुजुर्ग हो, खातून हो, ये समझे कि हमारे ऊपर हुकूक है लोगों के, तो वो फिक्रमंद हो जाएगा और उसे समझना चाहिए। ये इल्म ये कह देगा। इसलिए जब इल्म की रोशनी में बंदा चलता है, एक अल्लाह ताला की बंदी चलती है, तो उसको अदब आता है और वो फिर वो इल्म उसका आखिरत के लिए बन जाता है, फिर उसका इल्म आखिरत और दुनिया दोनों से जुड़ जाता है। लेकिन अगर इल्म अमल में दलील न बन जाए, इल्म की रोशनी में जिंदगी न चलने लगे, तो क्या होता है? उसका ताल्लुक दुनिया से, उसका ताल्लुक सिर्फ दुनिया से रह जाता है। इसीलिए देखिए उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इस उम्मत की बहुत बड़ी फकीहा है। तकरीबन 500 सहाबे किराम के ताल्लुक से बात उलमा ने, मुहद्दिसीन ने ऐसी चीजें जमा की हैं कि उनसे रुजू करके मसाइल पूछते थे। वो कितनी फिक्रमंद थी, मैं अपनी दीनी माओ बहनों से ये कहूंगा जिन्होंने बड़े शौक से और बड़ी मोहब्बत से इल्म हासिल की और इस मुसाबिक़े मुबारक में उन्होंने शिरकत की, कि देखिए उनकी सोच क्या थी। उनकी सोच ये थी कि जो इल्म मैं देती हूँ और जो इल्म मेरे अजीज तलबा और मेरे शागिर्दान हासिल करते हैं, उसका मकसद क्या होना चाहिए? उसका मकसद ये होना चाहिए कि उल्म उनकी जिंदगी में दलील बन जाए। ये इल्म दलील है, ये इल्म दलील है। इसीलिए हदीस में उस इल्म को
ये सबके लिए है। जिसके पास एक आलिम होगा उसके पास बड़ा इल्म है। सलफ कहते थे एक जाहिल आदमी जिसके पास इल्म कम है उससे इस बात का सवाल है उसके पास उज्र क्या होगा कि उसने क्यों जहालत की जिंदगी गुजारी। लेकिन आलिम जिसके पास इल्म है उसके लिए मुसीबत है अगर उसने इल्म पर अमल नहीं किया। तो एक आम आदमी के मुकाबले में इल्म वाला चाहे वो आलिम हो चाहे आम हो चाहे वो मर्द हो या औरत हो इल्म मिलने के बाद उसके तकाजों पे और उसका तकाजा अमल में इल्म एक पेड़ है उसकी हैसियत होती है एक पेड़ की। और पेड़ कब काबिले कद्र होता है निगाहों में जब वो फल देता है। सलफ कहते थे ये अमल जो है ये फल है एक पेड़ का फल है। जब पेड़ फल देता है तो पेड़ से कितना लगाव कितनी मोहब्बत होती है। इसलिए मैं इस मौके पर ज्यादा कुछ ना कहकर के ये कहूंगा कि इन सारी कोशिशों का मकसद जिम्मेदाराने दारुल खैर का और जिस तरह की सारी सरगर्मियों के चलाने वालों का एक ही होना चाहिए और है अल्हम्दुलिल्लाह कि इल्म आम हो और उसका जो मंशा है इल्म का इल्म की मुराद अमल है। अमल जिंदगी में पैदा हो ऐसा ना हो कि हम उन चीजों के हमारे ऊपर लेबल लगाए अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए कि इल्म मिलने के बाद हमने उसे भुला दिया और उसके बाद उन लोगों की सफों में हम चले गए जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बाद में आने वाली कौमें ऐसी होंगी जिनके पास इल्म होगा और अमल नहीं करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत अली बयान फरमाते हैं मौकूफन लेकिन मसला एक पेशीगोई का है वो मरफू का है। वो बयान करते थे कहते थे अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐसे लोगों का अमल आसमान की तरफ नहीं चढ़ता। इसलिए इल्म हासिल करने के बाद अमल जरूरी है। हम सब अहद करें मैं इन कलिमात में जो मैं अपनी जिम्मेदारी के हवाले से इदारे की तरफ से मैं ये कलिमात इसलिए कहता हूँ ताकि मैं खुद महसूस कर सकूँ अपनी जिम्मेदारी को और आप सबको और बिलखसूस इस तकरीब इनामात में शरीक अपनी खवातीन को मैं याद दहानी कर सकूँ। इसलिए कि जिक्र और याद दहानी अल्लाह ताला ने फरमाया है नफा पहुँचाना मकसद ये है कि इसे नफा हमें पहुँचता है। हमारा यकीन है कि याद दहानियों से हमको नफा मिलता है। हम इस इल्मी मजलिस में और इस इल्मी मुकाबले की इनामी मजलिस में जहाँ बैठे हैं हम इसका मकसद और इसका असल मैसेज लेकर के जाएं और अपनी अगली जिंदगी में बरतें कि इल्म हासिल करने का मकसद इन मुसाबकात के हवाले से और इस ग्राउंड से जो कुछ हमने सीखा है अपने मखसूस मसाइल आम मसाइल उनको हम अपनी जिंदगी में बरतें अप्लाई करें। अल्लाह ताला हमको इसकी तौफीक दे ये फिक्र करें इसकी दुआएं करें। आखिर में मैं दिल दुआ करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ इदारे दारुल खैर के मुदीर मोहतरम फजीलत शेख शमी महमूद फैजी हफिजुल्लाह और उनके रफकाए कार को और जो इस मुसाबिके की मतलब है तकरीब में शरीक हैं और जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है उन सबको कि अल्लाह ताला ने उन्हें तौफीक दी अल्लाह ताला मजीद उन्हें तौफीक दे अल्लाह ताला मजीद बरकत दे और इस कोशिश को अल्लाह ताला कबूल फरमाए और इखलास बिललाहियत के साथ तालीम सोच अकीदा और इस्लामी खालिस जो बैकग्राउंड है रब्बुल आलमीन उसके अंदर हम सबको रह करके बेहतर से बेहतर कोशिश करने की अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। अल्लाह ताला जब तक हम जिंदा रहें तेरी इताअत पर तेरे तकवा पर रहें और जब भी हमारी मौत आए तो तेरी इताअत और तकवा और तेरे रसूल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर आए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। तेरे अमीर मुहतरम सदर शेख अब्दुल सलाम सलफी हफिज़हुल्लाह की जो बहुत ही दुर्लभ किताब इल्म व अमल के ताल्लुक से आपके सामने कर रहे थे मैं शेख मौसूफ का बहुत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि शेख मौसूफ ने अपनी मसरूफियात तमाम तरीन मसरूफियात के बावजूद भी उस खालसा की दावत पर लबैक कहा और इस कल में शरीक को रखे आपके सामने इल्म अमल के ताल्लुक से बहुत ही मुफीद और कीमती बातें आपके सामने उन्होंने पेश की। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला शेख मौसूफ की इल्म अमल में बरकत फरमाए और जिस तरीके से शेख मौसूफ जमात और जमीयत की राज को आगे बढ़ाने में लगे कि अल्लाह तबारक तआला मजीद तौफीक अता फरमाए और हम सब मिलकर के ताउन बिल व तक्वा की भलाई और नेकी और तक्वा के काम में एक दूसरे का ताउन करते हुए जमाती सरगर्मियों को दावा
तब हमारे सामने पहली नशिश का तकरीरी सिलसिला शुरू होता है और इस नशिश के पहले मुकर्रर फजीलत सैयद मुस्तफ़ा अकमल मदनी हफ़िज़हुल्लाह जो जामिया इस्लामिया नूरबाग कौसर मुमरा में तदरीसी पर अंजाम दे रहे हैं, शेख मौसू जामिया इस्लामिया मदीना मनोरा में जबसे हमसे दो साल सीनियर थे लेकिन हमारे बहुत ही बेतकल्लु साथियों में से थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस तकरीबी इनामात में शेख मौसू से कुछ सुनने का हमें मौका मिला है। शेख मौसू का मौजू है इल्म की फजीलत, तो अब हम मजीद ताखीर न करते हुए शेख मौसू को हम बड़े ही अदब-ओ-एहतराम से दावत दे रहे हैं कि शेख मौसू आए और अपने मौजू की किताब सुन्नत की रोशनी को मदा फरमाएं। जज़ाकल्लाह। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. تعليم سے آتی ہے اقوام میں بیداری ہے علم کے پنجے میں اور علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے اور علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے ورنہ یہ مومن شیطان بنا دیتا ہے۔ حضرات، دنیا میں مشاغل بہت ہیں، کرنے کے کام بہت ہیں، لیکن ایک مشغلہ اور ایک کام ایسا ہے جو رب ذوالجلال کی نگاہوں میں بڑا پسندیدہ کام ہے۔ یہ عمل، یہ مشغلہ رب ذوالجلال کی رضا اور خوشنودی کے حصول کا ذریعہ بھی ہے اور رب کی بھیجی ہوئی شریعت کو سمجھنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ اس مشغلے سے اللہ کے دین میں بصیرت حاصل ہوتی ہے، دین کی سمجھ حاصل ہوتی ہے، اللہ کا عرفان حاصل ہوتا ہے، بندہ اپنے اللہ کو جانتا ہے، اپنے رسول کو صحیح معنوں میں جانتا ہے، اپنے دین کو صحیح معنوں میں جانتا ہے اور وہ مشغلہ ہے حصول علم دین، دین کے اندر تفکر حاصل کرنا، دینی مسائل کو سمجھنا، راسخ علماء کرام سے رجوع کرنا، ان کے سامنے ذہنی تلفظ طے کرنا، ان کی شاگردی اختیار کرنا، ان کی مجلسوں میں بیٹھنا، دینی کتابیں پڑھنا، یہ وہ مشغلہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہوں میں بڑا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ علم اور اہل علم کی فضیلت بے شمار ہے۔ میں سب سے پہلے قرآن مجید کی چند آیتیں علم اور اہل علم کی فضیلت کے حوالے سے پیش کروں گا اور علم کے جو بھی فضائل میں آج کی اس مجلس میں بیان کروں گا۔ میں انشاءاللہ اس مسئلے کو تربیتی رخ دینے کی کوشش کروں گا اور اس کو معاشرے سے جوڑنے کی کوشش کروں گا اور بالخصوص خواتین اسلام سے اس مسئلے کو، اس موضوع کو جوڑنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ یہ نشست بالخصوص ان کے لیے مناسب ہوئی ہے اور انہوں نے اس پروگرام کے اندر حصہ لیا ہے جو خواتین کے مخصوص مسائل ہے، لیکن مردوں کے لیے بھی بہت ساری قیمتی باتیں ہوں گی اور بالخصوص خواتین اسلام۔ علم اور اہل علم کی فضیلت قرآن مجید کے رب ذوالجلال نے مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ اہل علم کی فضیلت کو اللہ سبحانہ وتعالی نے کچھ اس طرح بھی بیان کیا ہے کہ اپنی وحدانیت پر، اپنی الوہیت پر اس نے اپنے آپ کو گواہ بنایا، فرشتوں کو گواہ بنایا اور تیسرے نمبر پہ، تھرڈ نمبر پہ اہل علم کو اس نے گواہ بنایا اپنی توحید۔
इससे अहले इल्म की फजीलत का आप अंदाजा लगा सकते हैं। शहीद अल्लाह व अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु वल मलाइकतु व उलुल इल्म कायमुन बिल क़िस्त। अल्लाह सुभानहु व तआला इस बात की शहादत देते हैं, गवाही देते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बराबर नहीं। फरिश्ते भी शहादत देते हैं और तीसरे नंबर पे उलमा अहले इल्म को अल्लाह ने मतसिफ किया। अगर अहले इल्म के अलावा कोई और होता जिसकी एक शान होती और जिसका कोई मकाम होता, तो अपने जिक्र के बाद और अपने फरिश्तों के जिक्र के बाद अल्लाह उनको जिक्र करता, अहले इल्म को जिक्र नहीं करता। और अपनी तौहीद पर, अपनी वहदानियत पर और उलूहियत पर उनको गवाह होता। अहले इल्म की फजीलत का एक और अंदाज इस्तिफहाम इंकारी की शक्ल में, इस्तिफहाम करके सवाल को अल्लाह सुभानहु व तआला सवाल पूछ रहे हैं और जवाब नफी में है, इंट्रोगेटिव और निगेटिव। इस्तिफहाम इंकारी उसको अपनी जबान में कहा जाता है। क्या ऐसा है? नहीं है। जवाब नहीं है। कुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून। ऐ नबी आप कह दीजिए कि जानने वाले और ना जानने वाले क्या बराबर हो सकते हैं? जवाब क्या होगा? आंसर क्या होगा? नहीं हो सकते। ये एक अंदाज है अल्लाह सुभान व तआला। अहले ईमान और अहले इल्म की शान को अल्लाह ने बढ़ा दिया है और दोनों के जिक्र को एक ही आयत के अंदर जमा कर दिया है। या तअल्लाहु अल्लज़ीन आमनू मिनकुम वल्लज़ीन उतूल इल्म दरजात। अल्लाह सुभान व तआला तुम में से जो अहले इल्म है, जो अहले ईमान है और जो अहले इल्म है उनके दरजात को बुलंद करता है। अहले ईमान के बाद अहले इल्म का जिक्र करना इससे उनकी शान और फजीलत का अंदाजा होता है। ये बात तो आपने सुनी होगी कि जो उलमाए रब्बानीयीन है अल्लाह से सबसे ज्यादा डरते हैं। डरने का ताल्लुक देखिए दिल से, ये कल्बी अमल है। खौफ और खशियत का ताल्लुक दिल से है। कौन अल्लाह से ज्यादा डरता है, कौन नहीं डरता है, हम फैसला नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग बजाय मुत्तकी नजर आते हैं। हो सकता है वो दिल में अल्लाह का बहुत ज्यादा खौफ ना हो उनके अंदर। बहुत सारे लोगों को हम मुत्तकी नहीं समझते हैं। अल्लाह का खौफ और खशियत, लेकिन अल्लाह ने इस कल्बी अमल को भी जाहिर कर दिया और इस राज से पर्दा उठा दिया। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिही अल-उलमा। जो सही मानों में आलिम होते हैं वो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरते हैं। जबकि डरने का ताल्लुक मैंने बताया कल्ब से है, दिल से है, सीने से है, लेकिन इस राज से भी अल्लाह सुभानहु व तआला ने पर्दा उठा दिया। सबसे पहली वही जो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको मालूम है, इक्रा बिस्मि रब्बिक अल्लज़ी खलक़, पढ़ने का हुक्म दिया है। और पढ़ने के आलात में से आप देखें सबसे अहम वसीला और जरिया कलम है। कलम के जरिए इल्म हासिल होता है, गिरे होता है। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कलम की कसम खाई है, नून वल क़लम वमा यस्तुरून, कसम है कलम की और उसके जिसे ये लिखते हैं यानी फरिश्ते। बड़ा अजीब मामला है। कलम को अल्लाह वसीला बना रहा हुसूल इल्म के लिए। आज से 40-50 साल पहले आप चले जाए, हमारे बुजुर्ग बैठे बता सकते हैं, हमारी दादी अम्मा लोगों का जो जमाना था, खवातीन को सिर्फ पढ़ना सिखाया जाता था, लिखना नहीं सिखाया जाता था। यह अजीब रिवाज बेवकूफी वाली बात। हमारी अम्मा को पढ़ना आता है मिसाल के तौर पर, लिखना नहीं आता। हमने पूछा अम्मा ऐसा क्यों है, आपको पढ़ना आता है मगर लिखना नहीं आता? ये लगी मकसद में हम लोगों को मौलवी साहब सख्ती से मना करते थे कि लड़कियों को लिखना नहीं सीखना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई। मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह इल्म की रोशनी दूर दूर तक फैली हुई है। जगह जगह आपको मदारिस नजर आएंगे, लड़कियों की तालीम का अच्छा खासा बंदोबस्त नजर आएगा। मैं हुसूल इल्म दीन, दीनी इल्म के हुसूल की क्या फजीलत है, उस हवाले से मैं एक हदीस सुनाकर अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। इस हदीस के रावी कैस इब्न कसीर रज़ियल्लाहु अन्हु बताते हैं, एक आदमी मदीने से दमिश्क चला गया हजरत अबू दर्दा के पास। क्या करने वो मदीने से दमिश्क का उन्होंने सफर किया, सिर्फ एक हदीस
सुनने की नजर देखिए, एक हदीस को सुनना है। एक सहाबी के बारे में वो पहले कुछ सुन चुके थे लेकिन डायरेक्ट उनकी जबान से सुन रहे थे। हजरत अबू दर्दा की खिदमत में पहुंचते हैं, हजरत अबू दर्दा पूछते हैं, भाई आपने सफर की मशक्कत क्यों बर्दाश्त की, मदीने से आप जुलश चले आए किस लिए? अरे कोई जरूरत नहीं होगी शहर कहने की, कोई जरूरत है कोई तिजारत विजारत का मसला ना होगा तो आप आए होंगे, ऐसे कौन आता है? कहने की वो भी मसला है, सिर्फ मैं इसलिए आपकी खिदमत में आया हूं। एक हदीस हमने सुनी है कि इस हदीस को आप डायरेक्ट बयान करते हो, सुनना सलाह और सलत से आपको इस हदीस को सुनिए, मैं आपसे डायरेक्ट उस हदीस को सुनना चाहता हूं। कान खड़े हो गए हजरत अबू दर्दा के, इतना लंबा सफर किया, मशक्कत में बर्दाश्त की कि आप मदीना से दमिश्क चले आए? कहने लगे हाँ। हजरत अबू दर्दा कहते हैं, भाई बड़े खुशनसीब इंसान हो, मैं भी प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हदीस बयान करते हुए सुनी है, मन सलक तरीकन यल्तमिस फीहि इल्मा सहल अल्लाह लहु बिही तरीकन इला अल-जन्नत। अगर कोई शख्स हुसूल इल्म के रास्ते पे चल पड़ता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए जन्नत का रास्ता हमला कर देते हैं, बोला वो जन्नत के रास्ते पे चल रहा है। और एक तालिब इल्म जो हदीस को दीनी इल्म का सीखने वाला होता है, तलब करने वाला होता है, उसके कारनामे को इतना अल्लाह सुब्हानहू व तआला पसंद करते हैं, फरिश्तों को उसने तैनात कर दिया है, वो अपने मरों को बिछा देते हैं। और एक आलिम के लिए मछलियां पानी में इस्तगफार करती है, बख्शिश की दुआएं करती है, और आसमान और जमीन में जितनी चीजें हैं सब उसके लिए इस्तगफार करती है, मगफिरत और बख्शिश की दुआएं करती है। उसके बाद आपने फरमाया, फज़लुल आलिम अला आबिदी कफज़लिल क़मर अला सायरिल कवाकिब। एक आलिम की फजीलत एक आबिद पे ऐसे है जैसे चांद की फजीलत तमाम सितारों पर। अंबिया के नाम जिन का वारिस नहीं बनाते थे, अंबिया ने किस चीज का वारिस बनाया? उलमा को इल्म का, इल्म दीन का वारिस बनाया। इससे आप समझ सकते हैं कि इल्म दीन के हुसूल की कितनी फजीलत। और इल्म के हवाले से मैं एक बात बता दूं, दीन का उतना इल्म, और सुनिएगा, हमारे बहुत से भाई बचपन में माँ बाप ने स्कूल नहीं भेजा, मदरसा नहीं भेजा, आज बुढ़ापे में कहते हैं पढ़ा नहीं पढ़ता। पर आप सोच रहे होंगे साहब, हमारे अब्बा अम्मा ने बड़ी कोताही की, ठीक है, मैं मानता हूँ कोताही है, आपके अब्बा अम्मा आपको नहीं भेज सके, स्कूल नहीं भेज सके, कुरान की तालीम नहीं दे सके, दीन का इल्म आपको नहीं सिखा सके, आप बड़े भी अब आपकी जिम्मेदारी है। क्या आपने जवानी में दीन का इल्म सीखा? नहीं सीखे, बुढ़ापे में नहीं सीखे। इन्हीं आंखों ने मस्जिद नबवी में मदीने को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा है, 80 और 90 साल के बूढ़ों को कुरान मजीद सीखते हुए, हर बार पढ़ते हुए सीखते हुए, जो जवानी में भी नहीं सीख सके बचपन में ना सीख सके, वो 80 और 90 साल की इल्म के उम्र में मुसाफ लेकर कुरान लेकर बैठे हुए है, और लोगों से पूछ पूछ कर रहे कि खाक सीख रहे। सुन लीजिए, दीन का उतना इल्म जिसके जरिए एक बंदा अपने रब को जान ले, अपने दीन को जान ले, रसूल को जान ले। हर शख्स पर इतनी मिकदार में इल्म का हासिल करना फर्ज हो गई। यह जरूरी नहीं है कि हर आदमी आलिम हो जाए, यह जरूरी नहीं है कि हर आदमी मुफ्ती हो जाए, फकीर हो जाए, नहीं, लेकिन उतनी अपने रसूल को जान ले, अपने दीन को जान ले, हर शख्स पर वाजिब और जरूरी है। और यही इस हदीस का मफहू है, तो खत्म आई ने वादा की हदीस 12 आप सुनते हो, ताला सुखने में सारी इज्जत और अल्लाह की तरफ से। इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान पर फर्ज है, ये जरूरी नहीं है कि हर आदमी आलिम बन जाए। हाँ, ऐसे लोगों का भी माशरे में पाया जाना जरूरी है
जो दीन के मसाइल को गहराई से समझते हैं, लेकिन सबके लिए जरूरी नहीं। फले उदा फरा बिन कुल फरक बिन हु तारिफा ला तफक्कहु फि दीन व यंदिर खबरहु बिला रजउ इलैहि लअल्लहु यहदरुन। हर फिरके में से, हर मुआशरे में से, हर कबीले में से एक जमात क्यों नहीं निकल जाती कि वो दीन की समझ हासिल करे, और जब लौट कर अपने खौल और खबीले की तरफ आए तो लोगों को डराए। तो कुछ ऐसे लोगों का पाया जाना जरूरी है हर मुआशरे में, जुदाई हो, जो मुबल्लिग हो, जो मुफ्ती हो, लोगों के मसाइल का सही हल बता सके, दीन में जिन्हें तफक्कुह हासिल हो और दीन की समझ हासिल हो। लेकिन सबके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन इतनी मिकदार में उनका हासिल करना जिससे हम सही मानों में अल्लाह को जाने, अल्लाह की मारफत हासिल हो जाए। कैसे मारफत हो? ईमान बिल्लाह हमें पता ही नहीं है। अगर हमें मालूम है ईमान के कितने अरकान हैं, सबसे पहला रुख अल्लाह पे ईमान है। अगर कुछ ये हो अल्लाह पे ईमान लेने के बदले क्या है, हमें कोई नहीं। तौहीद उलूहियत क्या है पता ही नहीं, तौहीद रुबूबियत क्या है मालूम ही नहीं, तौहीद अस्मा व सिफात का हमें पता नहीं है। ये तो बुनियादी चीज है। अल्लाह के बारे में हमारा क्या अकीदा होना चाहिए, इसकी मारिफत हमें सबसे पहले हासिल होनी चाहिए। तौहीद रुबूबियत का हमें इल्म होना चाहिए कि अल्लाह के अलावा नहीं है, वही मुदब्बिर है, वही कारसाज है, वही रोजी रसा है, उसी ने सब चीज को पैदा किया। ये तो हिंदू रूबीयत। तो हिंदू रूबीयत का हमें पता होना चाहिए कि इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह की जात है। इबादत की जितनी किस्म है सब अल्लाह की तरफ फेर दे और उसमें तो किसी को शरीक न। तो ये अस्मा और सिफात अल्लाह के प्यारे प्यारे नाम है, सिफतें हैं अल्लाह की, बगैर किसी तारीफ के, बगैर किसी तावील के, बगैर किसी तशबीह के। अल्लाह के प्यारे प्यारे नाम है, इन नामों के जरिए तुम अल्लाह को पुकारो। या हय्यू या क्यूम रहमत का सबीस, अल्लाह के नामों का वसीला न करके आप दुआ मांगो, पता ही नहीं है। अच्छा एक बात और समझ लीजिए कि दीन का इल्म हासिल करना इतनी मुख्तार हो, जो मुख्तार मैंने आपको बताई, इसके लिए जमान और मकान की कैद नहीं है। आप किस मुल्क में रहते हो, आप किस शहर में रहते हो, इसकी भी कैद नहीं है। और ना नसल की खैर है, आप किसी भी कबीले से हो, किसी भी बिरादरी से हो, आप मुसलमान हो, तो आपको इतनी मुख्तार में इल्म हासिल करना ही पड़ेगा कि अपने अल्लाह की मारिफत हासिल हो जाए। रसूल के बारे में क्या अकीदा हमारा होना चाहिए वो हमें मालूम हो जाए। आज रसूल के बारे में कितना घटिया और गुस्ताखाना अकीदा मुसलमानों का हो गया। नबी नबी की शान में लोग बढ़ावा दे रहे हैं, वली को नबी कर देते हैं और नबी को उठा करके रुबियत के दर्जे में फाइज कर देते हैं। क्या यही अकीदा होना चाहिए नबी के बारे में? आपको नबी का इल्म ही नहीं है। जो मकाम है नबी का, मकाम है नबूवत, उस पे रखो या अकुल गुरु और उसे बचो। फैनमा लगा मन का खबर को गुरु फिर दीन, इसी गुरु ने तुमसे पिछले लोगों को खराब कर दिया। लात गुरु कमा कर के नसार को मरियम इनमा रहमतु सबुत अब्दुल्लाह व रसूलु। ये नबी की तालीम है, इससे हमें समझ मिलेगी कि नबी के बारे में हमें क्या अकीदा रखना है। आई लोगों मुझे मेरे मकाम से उठाना पड़ा हुआ, जैसे नसारा ने अपने मरियम को बढ़ा दिया। मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसका रसूल हूं, सो मुझे तुम अल्लाह का बंदा हूं, उसका रसूल हूं। मैंने कहा कि उम्र की शर्त नहीं है। बचपन में आप दीन का इल्म नहीं सीख सके, आप जवानी में सीखो, जवानी में नहीं सीख सके आप बुढ़ापे में सीखो, बराबर से पूछो, आप किताबें पढ़ो, दीन के अरकान, इस्लाम के अरकान, ईमान के अरकान, एहसान क्या है, तौहीद और उलूहियत क्या है, रुबूबियत क्या है, अस्मा और सिफात क्या है, मोटी मोटी चीजें तो कम से कम हमें मालूम ही होना चाहिए। हमारे नबी के बारे में हमारा क्या अकीदा होना चाहिए। और ये भी मैं आपको बता दूं, जिनके भी कोई शर्त नहीं है, मेल फीमेल की शर्त नहीं, आप मर्द हो औरत हो, सबके लिए अगर आप मुसलमान हो तो दीन का सही इल्म हासिल करना आपके लिए जरूरी है, औरतों के लिए भी जरूरी है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों की तालीम पे बड़ी तवज्जो दे मेहनत करें। ऐसा नहीं है कि आपने दीन के मसाइल सिर्फ मर्दों के लिए बताए। सही बुखारी की रिवायत में आपको सुनाओ, इमाम बुखारी की रिवायत को अपनी सही की किताबों ने इंतजाम की किताबों सुनना के अंदर रखें। फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक औरत बनी की खिदमत में आती और कहती है, ذهب الرجال بحديثك يا رسول الله
आपकी मजलिस में मर्दों का गलबा होता है, आपकी हदीसें तो मर्द सुन लेते हैं, हमको महरूम रह जाते हैं और अपने घरों में रहती हूँ। जरा शौक देखिए खवातीन इस्लाम सुने गौर से, एक शौक एक ताक एक तमन्ना एक बलमना एक जज्बा होना चाहिए। के पास
हिजाब नहीं है, पर्दे का इंतजाम नहीं है, वो कैसे जाएगी? आपने कहा लिल्बिस आउफ़ा मिन जिल्बाबिहा, अपने भूखे नकाब में चाहे चादर में जैसा भी उसको भी छुपा कर लिखाते हैं। ये हुक्म दिया हमारे को। तो प्यारे रसूल खुतबा दे रहे थे ईद का, मर्द हज़रात सुन रहे और कह रहे हुए, आपको महसूस हुआ डबल खुतबा, यहां बात खत्म हुई, आप औरतों की जमात के पास तशरीफ ले गए, वहां भी आपके पास अलग से और कहा या माशर निसा सदकतना, ऐ औरतों की जमात सदका करो, फैनली तुकुना सराहिना, मैंने जहन्नम में तुम्हें सबसे ज्यादा जलते हुए देखा है। औरत ने सवाल कर दिया, यहां भी सवाल है, उस दौर की खवातीन, अरे जहन्नम, हर औरतें जहन्नम में सबसे ज्यादा रहेंगी, कौन सा जुर्म हमारा है? एक औरत ने सवाल किया अल्लाह के रसूल, आखिर मुझे तो बता दीजिए जुर्म हम क्या करते हैं? आपने कहा लेना शौहरों की नाफरमानी ज्यादा, और मैंने तुमसे ज्यादा दीन और अक्ल का नाकिस किसी को नहीं देखा। एक अमन मर्द का भेदा तू सबसे ज्यादा चाहती हूं। फिर औरत ने सवाल कर दिया अल्लाह के रसूल, आपने कहा हमारे अंदर अक्ल की कमी है और दीन में भी हम पीछे हैं, तो जरा इसकी भी वजाहत हो जाए। आपने कहा सुनो, एक मर्द की गवाही के बराबर औरत की गवाही आधी होगी, ये तुम्हारे अकल का नुकसान है। और औरत जब हालत मजबूरी में होती है, उज्र में होती है, नापाकी की हालत में होती है, नमाज रोजा नहीं कर पाती है, ये नींद का नुकसान है। ये है खवातीन का वलवला और जज्बा। और दूसरी रवायतों में आपने सदके का हुक्म दिया, जहन्नम से बचो, सदका देकर, सदके से जहन्नम की आग ठंडी होती है। हजरत बिलाल ने अपना दावत मसार दिया, औरतों ने अपने नेकलेस अपने जेवरात उतार उतार करके बिलाल का दामन भर दिया। आज औरतों को जहन्नम से डराया जाता है, कोई खौफ भी नहीं, कोई एक औरत की एक जेवर जल्दी अल्लाह के आगे, बड़ी मुश्किल से तो शौहर से मैंने डिमांड किया था, तो इतने सालों के बाद तो बेचारे बनवा के दिए हैं, अब इसको भी मौलवी साहब कहते हैं सदका कर दो अल्लाह की राह में, जहन्नम से छुट्टी मिली। जहन्नम है क्या वो भी मैं आपको बताऊंगा, इतना आसान मामला नहीं। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार नमाज पढ़ाई, आपने कहा मजा अली सकुम, बैठे रहो अपनी जगह, आगे मर्दों की जमात है पीछे औरतों के साथ। आपने अल्लाह की हमदो सना बयान की और कहा क्या तुमने से कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने प्राइवेट कमरे में जाते हैं, दरवाजा बंद करते हैं, पर्दे लगा देते हैं, अपनी बीवियों के साथ खलवत में होते हैं, और उसके बाद बाहर जब दोस्तों की मजलिस में जाते हैं तो वहां सारा भरा फोड़ देते हैं, रास की बातें, गोशे तन्हाई की बातें, बेडरूम की बातें जाकर के अपने दोस्तों में बयान करते हैं। राइट भाई, सारे मत चुप हो, सबने चुप्पी साध ली, कोई नहीं बोला। औरतों के पास गया, पीछे औरतों की सब, आपने कहा औरतों में से क्या कुछ ऐसी खवातीन है जो अपने मर्दों के साथ खलवत में होती है और उसके बाद जब सहेलियों में जाती है तो सब कुछ बयान कर देती है, साब औरतें और अभी चुप हो गई। फकालत जारियत फजत जारियत अला रुबतिहा व तताबत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वकालत एक लड़की खड़ी हो घुटनों के बल बैठ करके ऊंची हो गई और अपने आप को पेश किया उसने रसूलुल्लाह के सामने ताकि आप देख ले और उसकी बात को आप सुन ले। कहने लगी कसम अल्लाह की, अल्लाह के रसूल, ये मर्द हजरात किसी एक ने भी आपके सवाल का जवाब नहीं दिया, कसम अल्लाह की ये ऐसा जुर्म करते हैं, और खवातीन में से कोई एक औरत नहीं बोली ये कि ये सब जुर्म करते। और ये जहालत की बीमारी आज भी हमारे और खवातीन के अंदर पाई जाती है। शबे अरूसी और शबे ज़ुफ़ात के वाक़यात
कोई पढ़ते ही नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई गैरत नहीं, कोई हया नहीं, सारी बातें सहेलियों में बताती है। और कितने ऐसे लड़के हैं जो एक एक चीज को खोल खोल, ये खोलकर बयान करने वाली चीज नहीं है। जहां पर दीन का मसला पूछने की बात आती है वहां गैरत आ जाती है, हमारे नौजवानों को भी गैरत आती है, शर्म आते हैं मौलाना साहब से कैसे पूछो, औरतों को शर्म आती है दीन के मसाइल को समझने के लिए। कसम अल्लाह की यही किताब जिसको मौलाना शरीफ साहब ने मुकाबले के लिए फिक्स किया, पास खवातीन के मेरे पास खुला है, मौलाना साहब को यही किताब मिली थी क्या? मैंने कहा क्या शुरू कर दिया मौलाना साहब, अरे यार उसमें पता नहीं कैसे कैसे सब मसाइल है, इतने शर्म वाले मसले, यही किताब मौलाना साहब को मिली थी, और किताब तो काबिले में रखने को। मैंने कहा अल्लाह की बंदी और शर्म करो, मौलाना साहब के बेवकूफ आदमी नहीं है। मौलाना साहब ने बहुत सोच कर इस किताब को सिलेक्ट किया है, पता है कि खवातीन ऐसे मसाइल को पूछती नहीं। कसम अल्लाह की एक औरत मेरे पास फतवा लेने के लिए अभी पिछले हफ्ते की बात, खुदा उसने अपने शौहर से किस लिए लिया, हमने शौहर को बाहर बैठा दिया, लड़की को नसीहत किया कि अगर और किसी मुस्लिम की एक औरत अपने शौहर से तलाक लेती है, सुन लीजिए, जन्नत की खुशबू हराम है उसके ऊपर, अरे औरत तुम अपने शौहर से खुला लेने आई हो, क्या तुझे मेरे नजीस मालूम है? कह लगी मौलाना साहब मुझे मालूम। मैंने कहा फिर क्यों ऐसा जरूर कर रही, क्यों खुला ले रही, क्यों तलाक ले रही अपने शौहर से? रोने लेकिन मौलाना साहब सब कहिए मगर ये ना कहिए कि मैं अपने शौहर के साथ रहूंगा, भूखी भी रही हूं, प्यासी भी रही हूं, किसी तरह गुजर बसर करूंगी, लेकिन मसला कुछ और है। मैंने कहा बात क्या है? कहने लगी मेरे शौहर को, यहां भी जरा देखिए हमारे पास खवातीन में अल्हम्दुलिल्लाह दीन की समझ रखती है, हमारे पास नौजवान अभी भी बुराइयों में है, हमारे शौहर को हलाल और हराम का पता नहीं है। मैंने उसको खरीद कर किताबें दी है पढ़ने के लिए कि वो जान जाए बीवी के साथ क्या करना क्या नहीं करना, वहां भी कुछ चीजें हराम है कि नहीं, सब चीजें वहां हलाल है। मौलाना साहब नहीं हो सकता है, आप फलानामा बनाइए और हम उसके दस्तखत करते हैं, और जो मेरे शौहर ने मुहर में दिया है जेवर, सिर्फ वो जेवर नहीं, अपने साथ सारे जेवरात लेकर आई थी जो उसे ससुराल से मिले थे, और उसने बगैर मांगे ही शौहर के सामने मेरे टेबल पे रख दिया और कहा आप मेरे शौहर को दे दीजिए और फलानामा पर उससे दस्तखत दे लीजिए, मैं ऐसे आदमी के साथ ऐसे मर्द के साथ हम मजीद गुजारा नहीं करना चाहती जिसे हलाल और हराम का भी पता नहीं है, समझाने के बावजूद भी मैं नहीं मानता। कहां हमारा होशियार मेरे भाई, इल्म के इस दौर में, तरक्की के इस दौर में इतने लोग पिछड़े हुए हैं कि हलाल और हराम का भी पता नहीं है, क्या जायज है और क्या नाजायज है। तो खवातीन को भी उसूल इल्म की तरफ खास तवज्जो, अपने मसाइल जो मखसूस मसाइल है औरतों के, यही तो चीजें हैं। हम जब तक मसाइल नहीं सीखेंगे अपने बच्चों की न तरबियत कर सकते हैं, तालीम दे सकते हैं, आने वाले नस्लों की इन्हीं खवातीन को तरबियत करनी कैसे जान से बचा। अभी थोड़ी देर पहले जब उमन की बात आई थी, श्री तहरीम में सुना था इरशाद फरमाते हैं, मैं इस आयत करीमा की तिलावत करके थोड़ी देर तशरीह करना चाहूँ। या
कैसे बचाएंगे? अल्लाह तबी ने अपनी तफसीर के अंदर लिखा है इस आयत करीमा की तफसीर में, अपने बच्चों को अहले खाना को कैसे बचाएंगे, अपनी बीवियों को कैसे बचाएंगे? من صلاتي قل مسلم
मैंने इतना बढ़िया अवसर हुआ वहां शादी के लिए तो कहीं सुना न देखा और उन्होंने तो इस्लाम को ही अपना घर करा। इस तरीके से जहन्नम से बचाया जा सकता है और आप शौहरों को कैसे बने खड़ी जाकर के बात करोगे हुआ मर्द और औरत को भी दूसरे को जहन्नम से बचाना है। मर्द के पास इल्म है तो औरत को भी इल्म सिखाए, औरत के पास इल्म है तो मर्द को इल्म सिखाए। मर्द अगर नमाज पढ़ता है तो बीवी को भी नमाज के लिए चढ़ाए। कितने ऐसे मर्द है माशाल्लाह नवरात्रि पर है गुजार लेकिन औरतें नमाज नहीं, खातून नमाज गुजार है पंच वक्त नमाजी है लेकिन शौहर बेदी है फांसी के बाद नमाजी नहीं पढ़ता है। अशद्द मा युताज अत्ताम शराब
لأن العلم يحتاج إليه في كل وقت والطعام والشراب يحتاج إليه في يوم مرة ومرتين کہ امام ابن حنبل رحمہ اللہ امام اہل السنہ والجماعۃ فرماتے ہیں کہ علم یہ ایسی چیز ہے کہ علم کا محتاج ایک انسان کھانے پینے کی چیزوں سے کہیں زیادہ ہوتا ہے اس لیے کہ ایک انسان کو کھانے کی ضرورت یا پانی پینے کی ضرورت دن میں دو بار تین بار محسوس ہوتی ہے انسان نہیں بھر پاتا ہے ناشتہ کیا دوپہر کا کھانا کھایا شام کا کھایا تو انسان کو کھانے کی ضرورت دو بار تین بار پیش آتی ہے لیکن علم اور وہ علم جو دین کا علم ہو کتاب و سنت کا علم ہو اس علم کی ایک انسان کو چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ مومنہ ہو چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو امیر ہو غریب ہو کالا ہو گورا ہو بوڑھا ہو جوان ہو ہر ایک انسان کو علم کی ہر موڑ پہ ضرورت ہوتی ہے انسان مسلم ہوتا ہے مومن ہوتا ہے لیکن اس کو اسلامی آداب اسلامی احکام نہیں معلوم ہے حتیٰ کہ قرآن جو ہماری مقدس کتاب ہے قرآن کریم کی سورہ فاتحہ پر اسے بھی آپ ہے تو یہ چیزیں کیا ہیں کہ انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے اور علم کے بنا انسان کی زندگی سمجھ لیے گی جو ایک انسان بہائم اور جانوروں کی نہیں گزار رہا ہوتا ہے تو بہرحال اب آپ لوگوں کے درمیان ہم زیادہ نہ حائل ہوتے دیے اب اس نشست کے دوسرے مقرر اور خطیب شیخ شمیم فوری حفظ اللہ جو ہمارے درمیان متعارف ہیں شیخ شمیم فوری حفظ اللہ نے ہندوستان کے معروف ادارے ماہر سے انہوں نے فراغت حاصل کی فراغت کے بعد میں جامعہ اسلامیہ سے فراغت حاصل کرنے کے بعد تقریباً 13 یا 14 سال سے شیخ موصوف آئی آر ایف میں دعوتی اور دینی اور تحقیقی سرگرمیوں میں لگے ہوئے ہیں اور شیخ موصوف شاید تو ایسی کانفرنس اجتماع ہوتے ہوں کہ جہاں پہ ان کی شرکت نہ ہوتی ہو متعارف ہمارے درمیان تو ہم بڑے ہی ادب و احترام سے شیخ موصوف کو دعوت دے رہے ہیں کہ آئیں اور ان کے خطاب کا موضوع ہے بچوں کی تربیت میں ماں کا کردار شیخ موصوف تشریف لائیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کتاب و سنت کی روشنی فرمائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني محترم حاضرین مسجد دینی میرے بھائیوں بزرگوں نوجوان میرے دوستوں اور معزز خواتین اسلام یہ بڑی خوشائن بات ہے نہ صرف ممبرہ والوں کے لیے بلکہ باشندگان ممبئی کے لیے الحمدللہ یہ خیر فاؤنڈیشن کی طرف سے یہ ثقافی مسابقہ اسپیشلی خواتین کے لیے منعقد کیا گیا اس
इसमें शेख शमी मदनी साहब के बताने के मुताबिक तकरीबन 450 खवातीन ने इससे लिए किताबें उनको पहुंची है। जाहिर सी बात है किताबें घर वालों ने भी पढ़ी होंगी, देखी होंगी, और ये उन्हीं मसाइल से मुतालिक है जो खवातीन के साथ खास है। बहरहाल इसकी इफादियत का इनकार कोई दिशा और इंसान नहीं कर सकता। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन खवातीन को जिन्होंने शिरकत की है अल्लाह उन्हें पढ़कर न सिर्फ इनामात से नवाजे बल्कि उन्हें इस पर अमल की भी तौफीक अता फरमाए, और जिन लोगों ने भी इसमें हिस्सा लिया है, तआवुन किया है, इस अंदाज में भी अल्लाह ताला उसे भी कबूल फरमाए, बाई से निजात बनाए। बच्चों की तरबियत में माँ का किरदार है। अगर मैं आप हजरात से पूछूं कि आज हमारे नौजवानों हमारे नौनिहालों के बिगाड़ के असबाब क्या हैं, तो इस पस मंजर में शायद आपको ये भी कहना पड़े, यकीनन कहना पड़ेगा कि माशरे के बच्चों पर माओ की गिरफ्त मजबूत नहीं है। दूसरे लफ्जों में हमने तरबियत याफ्ता माए इन बच्चों को नहीं फराहम किया है, हमने इनको वो तालीम और तरबियत नहीं दिलाई शरीयत इस्लाम ने जिसका तकाजा किया, इसकी वजह से माशरे में ये उतार चढ़ाव, ये नशीबो फराज, ये गहमा गहमी और अफरा तफरी हम देख रहे हैं कि बाप परदेश को कमाने चला गया, घर में माँ है, बच्चे जिसके हाथ से निकले हैं, इसलिए कि वो खुद तरबियत याफ्ता नहीं है तो बच्चों को कंट्रोल कैसे करेगी, क्या सिखाएगी, वो तो खुद घर में बैठ कर भी जहनी अय्याशियों का शिकार हो गई है। वही टीवी, वही चैनल, वही लैपटॉप, वही कंप्यूटर और वही तमाम बुराइयों के सामान जो कभी बाहर बिका करते थे अब हम उसे अपने घर में लेकर बैठ गए। मुझे वही मान जहनी अय्याशियों का शिकार हो जाएगी, खुद वही रिमोट बनकर इन चैनलों को बदलेगी, बच्चों को सिखाएगी क्या चैनल इस तरह बदला जाता है। शायर ने कहा था अल्पम मदरसत इधर आदत आदत शाबन तजीबन आवाजी, माँ को अगर किसी ने तरबियत दे दी तो वह एक मदरसा है, माँ को अगर किसी ने पाल पोस कर तरबियत याफ्ता बना दिया वो एक मदरसा है जिसकी गोद में नस्ल पलने वाली आदत शाबन तो ये बल राती का आवाज भी तो है इंसान, तो यकीन कर अगर ये माँ तैयार हो गई है तो एक पूरी नस्ल इसके पीछे तैयार हो गई है, तरबियत याफ्ता हो गई। माँ इसका मकाम मर्तबा क्या है, माओ का किरदार बताने से पहले हम उसका मकाम समझ लें, खुद वो खवातीन अपना मकाम मर्तबा जान लें, इसलिए कि मकाम मर्तबा अगर परख लेंगी तो अपनी जिम्मेदारियों को निभाना उनके लिए आसान हो जाएगा। इस्लाम ने जो उनको मकाम दिया है वो क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक सुनन नसाई हदीस नंबर 3106 एक सहाबी रसूल हजरत मुआविया बिन जाहमा रजी अल्लाह अन्हु वो कहते हैं कि मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा अरबतुल ग़ज़वा या रसूल अल्लाह वजीतुका अस्तशीरु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपके पास आया हूँ कि मुझे ग़ज़वे में जिहाद में जाने की इजाज़त दे दी, जाना चाहे नौजवान इकट्ठा करता हूँ, शमशीर और सनान चला सकता हूँ,
दफन का मुकाबला कर सकता हूँ, मुझे इजाजत दे दीजिए। जी तो मैं तशरीफ में आया हूँ आपसे मशवरा लेने के लिए आपकी इजाजत के लिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, हल्लका उम्मन, माँ है आपके पास? अल नाम, हाँ है, तो बूढ़ी है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, फल्ज़महा फल्ज़महा फइन्नल जन्नत तहत रिज़लिहा। ए मुआविया, जाओ माँ के साथ चिमट करो, माँ को लाजम पकड़ो। क्यों? इसलिए कि तुम्हारे लिए बड़ा जिहाद है, जन्नत तो तुम्हारी इसी माँ के कदमों तले है। ये है माँ का मकाम, ये है माँ का रुतबा। इसलिए कि उस माँ ने इस बच्चे को 9 माह तक अपने पेट में रखकर अपने आप को सवारी बनाकर उसे खोजा है। इसलिए कि इस माँ ने जजगी की तकालीफ को बर्दाश्त करके चीखो पुकार के साथ इसे जन्म दिया है। वो चीख कि उस एक चीख का बदला ये औलाद जिंदगी भर खिदमत करके अदा करना चाहे तो नहीं कर सकती। ये उम्मत जिसको मरबिया होने का हक हासिल है, जो इस नस्ले नौ की तरबियत करने वाली सबसे बड़ी बस्ती है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे नबी की प्यारी हदीस कह रही है, सही बुखारी किताबुल जुमा हदीस नंबर 883। आप उसमें पढ़े, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रईयति। सुन लो, तुम सबके सब जिम्मेदार हो, चरवाहे हो, तुमसे तुम्हारी रेवड़ के बारे में पूछगछ होगी। कैसे निभाया, क्या किया? अपने शौहर के घर की जिम्मेदार है और उससे भी उसकी रियाया यानी शौहर का घर, उसकी हिफाजत, इसी तरह शौहर के बच्चे, उनकी तरबियत, इसके बारे में पूछा जाए। ये तरबियत की जिम्मेदारी किसी और ने नहीं, अल्लाह के रसूल और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी है इस माँ को। ऐ माँ, तो अपने किरदार को निभा, ऐ माँ तो अपने इन नस्लों की तरबियत कर, तब तेरी गोद से खालिद बिन वलीद पैदा होंगे, निकलेंगे, तेरी गोद में उमर बिन खत्ताब जन्म लेंगे, तेरी गोद में वो लोग आएंगे जिनको किसी दौर में सलाहुद्दीन अय्यूबी कहा गया, जिनको किसी दौर में मुसन्ना बिन हारिसा के नाम से याद किया गया, मुख्तलिफ अलका को आधार दिए गए, ऐसे जियाने तुम्हारी गोद में जन्म लेंगे। ऐमान तो अपने किरदार को लेंगे, लेकिन माँ को चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें। आज आखिर क्या बनेंगे कि आज की नई नस्ल, इसको फिक्र तो है जन्नत पाने की, लेकिन जन्नत पाने के रास्ते में जो जिम्मेदारी है उसको निभाने के लिए तैयार? आज इस नस्ल को फिक्र तो है दुनिया में कामयाबी पाने की, लेकिन शरीयत के बताए हुए तरीकों पर चलने के लिए नस्ल तैयार नहीं? आज इस नस्ल को फिक्र तो है रोजाना सुबह उठकर करोड़पति बनने की, लेकिन इस्लाम के उसूलों पर चलते हुए हलाल रोजी कमाने के लिए नस्ल तैयार नहीं? असल वजह क्या है, कमजोरी कहाँ है? एक कमजोरी ये भी है, इन नस्लों ने अच्छी माँ को नहीं दिखाया, दीनदार माँ खो दिया इन्होंने, तरबियत याफ्ता माएं इनको नहीं मिली और इसलिए राजनाथ से भटक गए। मकसद को पाने में नाकाम रहे, न यहाँ के रहे न वहाँ के। अब देख लीजिए सभी करें, खवातीन इनको चाहिए कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं, इसलिए कि इसके बारे में इनसे सवाल होगा और उनका किरदार इतना अहम है तबीयत औलाद के बाप में कि उसका मुकाबला कोई कर नहीं सकता। नंबर एक इस वजह से कि माएँ बच्चों के साथ इनको ज्यादा वक्त मिलता है, बोलो मिलता है कि नहीं? एक एक शौहर
यानी बच्चों का बाप अपनी बीवी का शौहर, वो कमाने के लिए बाहर गए, सुबह 5 बजे नाश्ता किया, टिफिन ले लिया और चला गया, कहीं 8 घंटे ड्यूटी कर रहा है, कहीं 10 घंटे ड्यूटी करके दबा रहा है, उसके 10 घंटे के बाद या कम से कम 8 घंटे के बाद तक लग रहा है। जब तक ये बच्चा और बच्ची किसके साथ है, बोलो किसके साथ? माँ के साथ। जिसको बच्चों के साथ वक्त गुजारने का मौका ज्यादा मिल रहा है, अल्टीमेटली वो उनकी तरबियत की ज्यादा जिम्मेदार होती है, बोलो है कि नहीं? इसलिए कि उनके अच्छे बुरे को वही देख रही है, उनके अच्छे बुरे से वही वाकिफ है, उसी को पता है कि मेरी बच्ची ने आजाद हुई तो नमाज पढ़ा या नहीं, बनाया या नहीं, मेरा बेटा मस्जिद को गया या नहीं, और आखिर क्यों रुका हुआ है, क्या वो सो रहा है, या वो कंप्यूटर से लगा हुआ है, या वो लैपटॉप के पीछे पड़ा हुआ है, या वो मोबाइल लेकर के गेम्स खेल रहा है, आखिर किस चीज में मुलव्वस है, इसको किसी बाप को पता नहीं, लेकिन माँ जानती है। तो माँ जिस तरह उनके अच्छे की खबर रखती है, अपने बच्चों की बुरे की भी खबर रखती है, बाप की अपने शौहर की गैर मौजूदगी में, इसलिए वो अच्छी तरह से इनकी तबीयत पे अच्छा रोल अदा कर सकती है, उनको अच्छाइयों का हुक्म दे सकती है, बुराइयों से रोक सकती है, शौहर के मुकाबले में ज्यादा। नंबर दो, इसलिए भी माँ का किरदार अहम है क्योंकि ये माँ बच्चे इसकी ममता से ज्यादा करीब होते हैं, इसकी लोरियों से बहुत मानूस होते हैं, अपने मन की बात कभी करनी हो तो इसी की गोद में बैठ के करते हैं, इसे चिपक के करते हैं। मां, मेरे टीचर ने मुझे काम दिया है जिसमें फला फला खर्च है, मुझे प्रोजेक्ट बनाना है, ऐ मां जरा आप उसे बोलेंगे दिला दोनों। और बेटियों का क्या कहना, बेटियां तो माओ से ज्यादा करीब होती ही है, इसलिए कि अपने राज की बातें वो अपने माई से कर सकती है, बहुत सारी बातें जो अपने बाप से वो शेयर ही नहीं कर सकती, इसीलिए इमाम मंजूरी ने मुख्तसर सूरह बुदाउद में इबारत लिखी है, अल बनात इला अल उम्महाति अमीर वल कुलिन अलब, की बेटियां माओ की बातें ज्यादा सुनती है, उनकी बातों की तरफ ज्यादा मायल होती है, अगर ये बेटियां और ये बेटे माओ से ज्यादा करीब है, उसकी ममता से, उसके प्यार से, उसकी मोहब्बत से ये चिमटे हुए हैं, अगर माँ उनका कहा हुआ उनको दिलाती है, अगर माँ उनके डिमांड को पूरा करती है, अगर माँ उनके मुतालबात का ख्याल करती है, अगर ये माँ उनको हुक्म देती है बेटे नमाज पढ़ो, बोलो सुनेंगे कि नहीं, अगर ये माँ हुक्म देती है बेटे नमाज पढ़ो, बोलो सुनेगी कि नहीं, वो बेटी जरूर सुनेगी, इसलिए कि यही माँ है जो उसके हर रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही है। अब जब माँ ने पूरा कर दिया है तो आखिर इस बच्ची को और इस बच्चे को भी तो पूरा करना है, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है जो हमारे सामने है। मैं अपना किरदार निभाने के लिए अगर तैयार हो जाए, अल्लाह की कसम हमें एक ऐसी नस्ल मिलेगी जो तबीयत याफ्ता हो, जो दीनदार होगी, जो परहेजगार होगी, जो समाज और माशरे के लिए फायदेमंद होगी। आओ, क्योंकि वक्त नहीं है, आपके यहाँ समाचार की अजान है, मैं इंशाल्लाह उससे 5 मिनट पहले खुतबा खत्म कर दूंगा। अल्लाह से तौबा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे समेट कर बयान करने और हम सबको बतौर खास उम्मत की माओ को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए मैं कुछ मिसालें आपके सामने रखता हूँ कि उन्होंने बोला कि खवातीन ने सहाबा किराम के दौर, ताबईन के दौर, नबी के दौर की खवातीन ने किस तरह से नई नस्ल अपने नस्लों की उन्होंने तरबियत की, इस तरह से वो फिक्रमंद रहती थी, और जब उन्होंने अपना किरदार निभाया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी नस्ल तैयार की जिन्होंने दीन का डिफेंस किया, दीन को फैलाने के लिए अपनी जान की हथेली पर लेकर निकले, और अल्हम्दुलिल्लाह न कोई समरकंद बचा, न कोई बुखारा, न कोई खुरासान, न कोई इराक, न कोई यमन, तमाम तर रियासतों को फतह करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्त आया कि हिंदुस्तान में भी वो जियाले पहुंचे और इस्लाम का परचम हमें बुलंद हुआ, आज इस्लाम की आगोश में हम भी सांसें लेते हैं। ये उन्हीं की मेहनतों का नतीजा है, ये कौन थे जो अपने माओ की आगोश में पले थे, जिन माओ ने इनका ख्याल किया था। आपने अभी सुना उम्मे सुलेम रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में, हज़रत अनस की माँ, एक उम्मे सुलेम नहीं कितनी उम्मे सुलेम थी जिनको इस्लाम ने पैदा किया और जिन्होंने अपना किरदार निभाया। क्या आपने इस्माइल की माँ को भुला दिया है,
इस्माइल की माँ, इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ का नाम कौन जानते जी? हजरत हाजरा। हजरत हाजरा को अल्लाह के हुक्म से इब्राहिम ने ले जाकर मक्का की बंजर जमीन में आबाद कर दिया। किया या नहीं? कोई नहीं, कोई आबादी नहीं, लेकिन अल्लाह का हुक्म था, आबाद कर दिया। और उन्होंने कबूल भी कर लिया कि जाइए, अगर अल्लाह का हुक्म है उसके हुक्म से आप मुझे छोड़ कर जा रहे हो, ये खुजूरें देकर और ये मशीना पानी देकर, तो जाओ, अल्लाह हमें बर्बाद नहीं करेगा। क्या भरोसा था, क्या एतमाद था अल्लाह के ऊपर उस बंदी का? हजरत इस्माइल को लेकर वहां आबाद हुई, शहर की गैर मौजूदगी में अपने बेटे इस्माइल को पाला, ऐसे अंदाज में तरबियत की कि उनके तरबियत याफ्ता होने की गवाही कुरान करीम ने दी। कैसा लाडला था वो जो हाजरा की गोद में पला था। इब्राहिम ख्वाब देखते थे, वो बच्चा जो 80 साल की उम्र में मिला उसके बारे में ख्वाब देखते हैं। ये कुरान करीम की सूरह साफा सूरह नंबर 37 की आयत नंबर 102 में मौजूद। कई बार ये ख्वाब देखते हैं और अल्लाह आकर के बयान कर देते हैं। قال اني ارى في المنام اني اتبعك فانظر ماذا ترى। हाजरा का तबीयत याफ्ता बच्चा इस्माइल की, जिसने आंखें खोली, दीन के माहौल में वो पले बढ़े, माँ ने उनको पाला पोसा, वो जीशाऊर हो गए, होशो हवास में आ गए, वो अच्छा और बुरा पहचानने लगे, हक और बातिल की खबर रखने लगे। ऐसे उन्होंने इब्राहिम को ये ख्वाब बयान करते हैं कि मेरे लगते जिगर, मैंने देखा है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से दबा कर रहा हूँ, फंजुल माजर करा, देख लो क्या ख्याल है तुम्हारा इस्माइल। देखो अपने बच्चे से इब्राहिम कहते हैं फंजुल माजर करा, यू हैव टू सीन टू द मैटर, व्हाट इज योर ओपिनियन ओ इस्माइल, बता क्या कहता है इस्माइल मेरे बेटे, मैंने ऐसा ख्वाब देखा। वो बच्चा इसने हाजरा की गोद में आंखें खोली थी, तरबियत पाई थी, माँ ने जिस लाड़ो प्यार से इस्लामिक माहौल में उसको पाला था, जरा उनका जवाब सुनिए आगे है। ये फैजानी नजर था या कि मक्तब की करामत थी? सिखाए किसने इस्माइल को आदाब पसंदी? बच्चे की जबान से ये जवाब, दुनिया अगर इसे गेस कर सकती है तो ऐसे ही बच्चों से जिन्होंने इस्लामी माहौल में परवरिश की, उनसे ऐसे जवाब की उम्मीद दुनिया रख सकती है कि वो हाँ में जवाब देंगे, अल्लाह के हुक्म पर अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएंगे, रसूलुल्लाह के खंसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चार बेटों के साथ जाती है।
कल सुबह को जंग होने वाली है, फौज के सामने सामना होने वाला है। रात को ये संसार रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु अपने चारों बेटों को अपने सामने बिठा दिए और एक छोटा सा खुतबा दे दिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द सना सना बयान करने के बाद उनको हवाला देती है, ये मेरे बेटो देखो तुम अल्लाह की राह में कुफर के खिलाफ लड़ने की फजीलत को जानते हो, अच्छी तरह से बातें को सुन लो। तुम उस माँ के बेटे को जिसने तुम्हारे बाप की खयानत कभी नहीं की, जिस तरह तुम एक माँ के बेटे को ऐसे ही तुम एक बाप के भी बेटे को जिसने तुम्हारी तरबियत में कोई नतीफा बर्दाश्त नहीं किया। कल सुबह को जंग होने वाली है, अल्लाह का नाम लेकर ऐ जियालो ऐ मेरे बेटो इलाही कलिमतुल्लाह के लिए अल्लाह का कलिमा बुलंद करने के लिए मुकाबला आरा हो जाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें फतह नसीब हो। माँ की दुआएं लेकर सुबह का सूरज जब निकलता है ये बच्चे तमाम फौजों के साथ सफारा को जाते हैं। चार बेटे एक नहीं, चार बेटे जिनको खमसा रज़ियल्लाहु अन्हु खुद लेकर के मैदान जंग में आए और उनको भेजा है मुसन्नद हारिसा की तरफ, जाओ जाओ अल्लाह तुम्हारी हाथ पर फतह नसीब फरमाए। लेकिन अगर खमसान की रंग हुई तो तुम उसमें कूद पड़ना, ये मान ली वैसे। और वही वही हजरत खमसा की ये नसीहत, हजरत खमसा का ये छोटा सा खुतबा, हजरत खमसा की ये वसीयत बिल्कुल उन चारों बेटों ने सुना, कबूल किया और उस पर अमल करने के लिए तैयार हो गए। वही सफाराई हुई, जंग हुई और इसमें लड़ते हुए ये चारों बेटे शहीद हो गए। चारों बेटे शहीद होते काम आ गए, लेकिन लेकिन हजरत खमसा का रिएक्शन क्या था? हजरत खमसा ने उस मौके पर क्या कहा था? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़्ज़नी बिस्तिशहादी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफनी बिस्तिशहादी बिशहादती, अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे शर्फ और मकाम अता फरमाया है मेरे बेटे की शहादत की, मुझको मकाम अता किया कि मैं शहीदों की मां बन गई। وارجو من ربي ان يجمعني بهم في مستقر رحمتي, और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह रब العالمین मुझे अपने बेटों के साथ आखिरी आरामगाह जो जन्नत है वहां पर अल्लाह रब العالمین जमा फरमाएगा। मैं शहीदों की मां बन गई, मेरे लिए बड़ा सफा। ये खमसा जिन्होंने अपने बेटों को पाला पोसा और उनको ये नसीहतें की और इस तरह से उनके शहीदों का मां शहीदों की मां बनने का शर्फ हासिल हुआ और यकीनन उनके लिए बायस इफ्तिखार था। अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर को कौन नहीं जानता है? अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल, ये अब्दुल मलिक बिन मरवान के जमाने तक हयात रहे। 691 ईस्वी की बात है, उस मौके पर अब्दुल मलिक बिन मरवान ने हज्जाज बिन यूसुफ की कमांडरी में मक्की को एक लश्कर भेजा। इत्तेफाक से वहां मक्की की खिलाफत के हकदार अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर थे, उनकी एक टोली भी थी, लेकिन अब्दुल मलिक बिन मरवान के कमांडर हज्जाज बिन यूसुफ ने वहां पहुंचते ही उसका मुहासरा कर लिया। हरम के अंदर अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नजरबंद हो गए। फिर उनको अपने घर वाले माँ से मिलने की इजाजत थी। हजरत उनकी माँ कौन है? हजरत अस्मा बिनते अबू बकर। अस्मा बिनते अबू बकर कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी आयशा की बड़ी बहन हजरत अस्मा, अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर की माँ, अबू बकर की लाडली थी अस्मा। अस्मा के बेटे अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर हज्जाज बिन यूसुफ के लोगों ने उनका घेराव कर लिया और हालात ऐसे हो गए कि बस शायद आज या कल उनको कत्ल कर दिया जाए, शहीद हो जाएंगे। अपनी अम्मी के पास आते हैं, अम्मी अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह, अम्मी देखो हालात ऐसे हो गए कि अब हमारे अपनों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है, इसलिए अब्दुल मलिक बिन मरवान
के कमांडर हजरत यूसुफ ने सबका मुहासरा कर लिया, सब छोड़ तो चले गए। मां आपका मशवरा क्या है, मैं लेने आया। अगर मैं अभी अपने हिसाब से दस्तबरदार हो जाऊं, मैं ऐलान कर दूं कि मैं हुसैन मलिक बिन मरवान के साथ हूं, क्योंकि दुनिया के जाओ माल मुझे मिल जाएंगे, मुझे कुर्सियां भी सौंप दी जाएंगी, मुझे मेरी ख्वाहिश के मुताबिक सब कुछ दिया जाएगा, मुझे छोड़ दिया जाएगा, हिरासा भी नहीं किया जाएगा। ऐ मां, मैं आपका मशवरा लेने आया हूं। वो अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा जिन्होंने पाला था, कहती है, मुख्तसर में बयान कर रहा हूं, ये बेटे तुम और तुम्हारे मिशन के बारे में तुमसे ज्यादा कोई नहीं जानता, इत्मीनान बख्श अगर कोई इल्म है तो तुम्हारे पास। देखो, अगर तुम हक पर हो तो डटे रहो, इसलिए कि इज्जत वाली शहादत, इज्जत वाली मौत इस जिल्लत वाली जिंदगी से बेहतर है। तुम इज्जत के साथ शहीद हो जाओ, मेरी नजर में और अल्लाह की निगाह में बेहतर है इस बात से कि तुम जिंदा हो, तुम्हें कोड़े मार मार कर जलील किया जाता है। ऐ बेटे, अगर वाकई तुम समझते हो कि तुम हक पर हो, तुम्हारा मौकिफ का हक है, तुम खिलाफत के हकदार हो, तो कायम रहो। अगर तुम उससे फिरते हो तो कुछ दिन कबूल करके नहीं जाओ। कहते इमाम मेरी भी यही है, लेकिन मैं आपकी दुआएं उसके बाद चाहे उसकी चमड़ी उखेड़ ली जाए, चाहे उसकी बोटियां बना दी जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी नुकसान उसका नहीं होता है, कोई तकलीफ उसको नहीं होती। बेटे, अगर तुम अल्लाह की राह में शहीद कर दिए जाओ तो तुम्हारी बोटी के लिए बना देते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अगर हक पर हो तो डटे रहो। मां की दुआएं लेकर के, ऐ मां मेरे बाद मुमकिन मत होना, अपना मामला अल्लाह के से खुद कर देना, मैं जा रहा हूं और शाम को शायद तुम्हारे पास ये खबर हो, खबर हो, ये खबर लेकर कोई आए कि मुझे कत्ल कर दिया गया। ऐ मां, मेरे लिए दुआएं। उसके बाद अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला को निकलते हैं, उसी मुहासरे में रहते हैं, हज्जाज बिन यूसुफ के सिपाही ने कत्ल, ऐसा दर्द, ऐसा जिगर, ऐसा दिल लगने वाली मांएं कहां हैं? हक के लिए अर जाने वाली, हक के लिए अपने बेटों को वसीयत करने वाली मांएं कहां हैं? आज दुनिया के थोड़े से फायदे के लिए ये मांएं झूठ बोलती हैं बच्चों के साथ, अल्लाह की कसम झूठ बोलती हैं, कभी मोबाइल पर, कभी फोन पर, कभी झूठ बोलवाती भी हैं, बैठे ऐसा बोल दो झूठ, थोड़े से दुनिया भी फायदे के लिए। कहां है अस्मा, कहां है आयशा, कहां है हाजरा, करेंगे इनको, ऐसा माशरा देंगे इनको, ऐसा समाज देंगे इनको, ऐसे इदारे देंगे इनको, ऐसे ट्रस्ट देंगे इनको, ऐसे मदरसे और स्कूल देंगे जहां पर इस्लामी तरबियत हो, और जब इन तरबियत गांवों में हमारे ये बच्चे और बच्चियां परवरिश पाएंगी और मां की गोद से ये उठेंगी, जो मां दीनदार है, जो मां परहेजगार है, जो मां इस्लामी तालीम वाली है, तरबियत याफ्ता है, तो हमारे बच्चों पर भी उनकी छाप पड़ेगी। मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी को कौन नहीं जानता, मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, अल्लामा दाऊद राज ने जो सही बुखारी का तर्जमा किया है, उर्दू जानने वाले लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, दाऊद राज साहब का जो तर्जमा है पहली जिल्द उसकी उठाई, उसके मुकदमा में ये बात जो उन्होंने भी दर्ज फरमाया, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जिनसे कौन बात नहीं है, हर बच्चा जो हदीस के बारे में जानता है बुखारी के बारे में जानता है कि बुखारी कैसे पैदा हुए। इमाम बुखारी जिनकी माँ की शादी इस्माइल से हुई थी, जो एक आलिम फाजिल थे अपने वक्त के, उनके बाद इमाम बुखारी के नाम पे मोहम्मद ये पैदा हुई, लेकिन बचपन ही में इनके बाद इस्माइल का इंतकाल, इनकी माँ ने इनको 12 कोसा, और अभी ये बचपन ही में थे, कुछ दो चार साल की उम्र थी इनकी, कि इत्तेफाक से वो माँ जिनको आलिम बनाना चाहती थी, अपने शौहर की तरह फाजिल बनाना चाहती थी,
जाना चाहती थी, उस्मान की हसरतें थी कि मैं आलिम बनाऊंगी, फाजिल बनाऊंगी, मुफ्ती बनाऊंगी, फलाफला, ताकि समाज के काम आए। इत्तेफाक से इमाम बुखारी नबीना हो गए, नबीना हो गए। वो माँ जिसकी हसरतें थी, ऐ काश मेरा बेटा आलिम बनता, ऐ काश मेरा बेटा फाजिल बनता, ऐ काश मेरा बेटा मुफ्ती बनता, लोगों के काम आता, खुद उसके घर में रोशनी रहती और समाज और माशरे में रोशनी फैलाता, मायूस हो रही थी। लेकिन अल्लाह का दरवाजा उन्हें पता था कि खुला हुआ है, हम वहाँ दुआएं कर सकते हैं, हम अपने बच्चे के लिए बेहतरी की दुआ कर सकती है। अल्लाह वो अल्लाह के दरवाजे को खुला पाकर, और जो हर एक के लिए खुला हुआ है, उनके नमाजें हर नमाज में दुआ करती है, अल्लाह मेरी ये तमन्ना थी कि मैं अपने बेटे को दीन के लिए वक्फ करती, आलिम व फाजिल बनाती, मुफ्ती बनाती, दीन का खिदमत गुजार बनाती। अल्लाह तू जानता है अगर इस बेटे के लिए ये हक है कि वो ये हासिल करे, तो अल्लाह ये रुकावट और रास्ते में आ गई, वो नाबीना हो गया, अंधा हो गया है, वो सफर नहीं कर सकता, यहाँ वहां नहीं जा सकता, और अम्मा के पास अल्लाह ये दूर पड़ना है। रात पौट कर तहज्जुद की नमाज में रोती और गिड़गिड़ाती है, अल्लाह मेरे बेटे को शिफा दे दे, ये दोनों आंखों का अंधा हो चुका है, जो बीना था, देख रहा था, दोनों आंखों वाला था, अल्लाह तू ही शिफा देने वाला है। एक रात को ख्वाब देखती है, तेरे बेटे की बीनाई वापस लौटा दी। ये देख, सुबह उठती है वो फजर में, अपने बेटे को जगाती है, मैंने ख्वाब देखा है, सुभानअल्लाह, ये बेटा दाना और बीना नजर आ रहा है, उसकी आंखें वापस आ गई है, खुशी के मारे, उनकी खुशी का क्या क्या कहना, मेरा बेटा, अल्लाह ने उसको आंखें खोली। इस तरह से वो माँ बराबर अपने बेटे को बीनाई वापस आने के बाद उनकी तरबियत करती रही, उनको पढ़ाने लिखाने में, क्योंकि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अच्छा खासा मान भी छोड़ा था, उनको वो पढ़ाती रही, तरबियत करती रही, इल्म दीन हासिल करने पर तरदीद देती रही। हुआ ये कि आज वही उनका बेटा मोहम्मद बिन इस्माइल क्या बन गया, बुखारी, सही बुखारी लिखने वाला। वो किताब उसके उनके हाथों से तहरीर हुई जिसको असहब किताब बादा किताब अल्लाह कहा गया, कुरान मजीद के बाद सबसे सही तरीन किताब इस हुई जमीन पर अगर कोई है तो कौन सी, बोलो, सही बुखारी। मां उनकी तबीयत का नतीजा, वक्त हो गया है अजान का, इसलिए मैं यहीं पर रुकता हूं। एक बात और मुझे कहने की जरूरत की रहा है, तो इमाम को चाहिए कि वो खुद पहले तरबियत हासिल करें, तालीम ले, और फिर अपनी आने वाली नस्लों को इस्लामी तरबियत देने की फिक्र में लग जाए और अमली मैदान में कूद पड़े, ताकि फिर से इमाम बुखारी, फिर से कोई इमाम मुस्लिम, फिर से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी, और फिर से कोई मुसन्ना बिन हारिसा, फिर से कोई उमर बिन अब्दुल अजीज, और फिर से कोई उमर बिन खत्ताब और सहाबे किराम जैसी सिफत वाला इंसान आए, ताकि वो समाज के लोगों के लिए मुफीद हो, मुमित हो, मुआविन हो। मैं एक आखिरी बात जो कहना चाहूंगा कि खवातीन आज माशरे में जो चीज देख रहे हैं कि कितनी माएं हैं जो अपने बच्चों को दुनियावी तालीम दिलाने के लिए वक्त से पहले जगह पर बिठा देती हैं, स्कूल लेट ना हो, इसलिए कि सेंट जोसेफ में बच्चा जा रहा है, इसलिए कि स्वामी विवेकानंद में पढ़ा रही हूँ, वक्त से पहले पहुंचना चाहिए, रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, शिकवे शिकायत नहीं। लेकिन क्या इसी माँ ने बच्चे को नमाज से पहले जगाया है? क्या इसी माँ ने बच्चे को वजू का, बच्चे के लिए वजू का इंतजाम किया है? नहीं। दुनिया के बारे में हमारे खवातीन की तड़प, उनकी उम्र में बहुत तवील, उनकी फहरिस्त बड़ी लंबी, लेकिन दीन का मामला जब आता है तो बहुत पीछे है। इस तालुक से उन्हें बेदार होने की जरूरत है। और ऐ मेरी माँ और बहनों, ये समझ लो कि अगर आप इन बच्चों को पाला, पोसा,
किया है अल्लाह उसे कबूल फरमाए और हम सबके लिए हमारे
शेख समीर चौधरी के नुकला बच्चों की तरबियत में उनका किरदार क्या है, बहुत ही मदलल और तारीख के हवाले से बहुत ही मुफीद बातें शेख मौसूफ ने आपके सामने रख की। और इस चीज की वजाहत की सलफ की माओ का सलफ की तरबियत में किरदार क्या था और आज के वक्त में माओ का किरदार क्या है। और इस सिलसिले में अगले शेयर ने इस्लाम में दाखिल हुए हो, अपनी मर्जी से दाखिल हुए हो और तुम्हारे जो मामू थे, तुम्हारे जो खानदान के लोग हैं, ये भी बड़ी इज्जत वाले हैं, पीछे मत होना। जब ये चारों के चारों बच्चे कादसिया में शहीद कर लिए गए और उनकी शहादत की खबर खालसा रज़ी अल्लाह शिरकत करने से मदद कर दी और हमारी दावत पर उन्होंने लंबाई कहा। हम तहे दिल से शेख के सुबूदार हैं और ये दुआ शेख के लिए अल्लाह तआला इल्म व अमल में मजीद मजीद तौफीक अता फरमाए और उनको दावती सरगर्मियों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने की और किताब व सुन्नत की तालीमात को लोगों के दरमियान काम करने की तौफीक अता फरमाए। प्रोग्राम की और
طریقے سے تعظیم کی وقتاً فوقتاً اجازت اور دیہی علاقوں میں بعض دیہی علاقوں کی جو بعض ایسی مساجد ہیں کہ جہاں خطیب جمعہ میسر نہیں ہے خطیب جمعہ کی کفالت تو یہ دعوت خیر فاؤنڈیشن کی تین اہم سرگرمیاں ان کا سلسلہ 2007 سے جاری تھا 2014 میں پہنچ کر کے یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ جب دعوت سرگرمیوں کو اور ان رفاقی سرگرمیوں کو اس مقام پر آگے بڑھانا ہے تو کیوں نہ رسمی طور سے اس دعوت خیر کو رجسٹریشن کرایا جائے اور رجسٹریشن کرا کر کے قانونی طور سے مزید ان کاموں کو آگے بڑھایا جائے تو اس طریقے سے 2014 میں دارالخیر فاؤنڈیشن کو رجسٹریشن کرا دیا گیا اور اس کا نام دارالخیر فاؤنڈیشن دیا گیا دارالخیر فاؤنڈیشن کی موجودہ سرگرمیاں نمبر ایک دینی کتابوں کی نشر و اشاعت اور اس کی منتقسیم دینی کتابوں کی نشر و اشاعت اور اس کی منتقسیم اب تک تقریباً 11 کتابیں اس دارالخیر فاؤنڈیشن سے نشر کی جا چکی ہیں اور ان کتابوں میں اہم کتاب قرآن کریم کے اثر کی تین باروں کی تفسیر عام مسلمانوں کے لیے چند اہم اسباب شیخ نگار رحمہ اللہ جس کے مولد ہیں اسی طریقے سے طہارت اور نماز کے مسائل جس کے مولد شیخ نگار اور شیخ حسین رحمہ اللہ ہیں اور اسی طریقے سے اسلام عقیدہ محمود الجمیل زینوں کے اسی عالم دین ہیں کتاب اور اخیر میں جو یہ انعامی مقابلہ کرایا گیا ہے جس کتاب سے اس کتاب کا نام عورتوں کے مخصوص مسائل جس کے مولود سعودی عربیہ کی مایان ہستی شیخ صاحب مردان فض اللہ ہیں اور اسی طریقے سے اس جو اسکار کی کتاب ہے تو یہ اہم کتاب ہے دارالخیر فاؤنڈیشن کے ذریعے سے نشر کی گئی ہے اور تقریباً اب تک 15,000 کتابیں دارالخیر فاؤنڈیشن کے حساب پر تباہ کرا کر کے ان لوگوں میں پھر تقسیم کی گئی ہیں اسی طریقے سے 3,000 بلٹن اردو اور عربی اردو اور ہندی زبان میں پرنٹ اور تباہ کرا کر کے لوگوں میں تقسیم کیا جائے اور اس سلسلہ جاری ہے اسی طریقے سے دارالخیر فاؤنڈیشن کی دوسری سرگرمی ویب سائٹ دارالخیر.net پر 5 زبانوں میں کتابوں کی اپلوڈنگ جنہیں آن لائن پڑھا بھی جا سکتا ہے اور وہ ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے 5 زبانیں اردو عربی انگلش مراٹھی اور ہندی ان 5 زبانوں میں دارالخیر اپنے اس ویب سائٹ پر کتابیں اپلوڈ کی جاتی ہیں مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویب سائٹ سے اور اس دارالخیر کو سنیں تیسری چیز سوشل میڈیا کے ذریعے سے دین کی نشر و اشاعت یوٹیوب چینل دارالخیر نیٹ ورک پر اپلوڈنگ جسے آن لائن دیکھا سنا جا سکتا ہے اور ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے تو یہ کام بھی جاری ہے فیس بک پر موضوعات اور اپلوڈنگ جنہیں آسانی ڈاؤن لوڈ کر کے ایک انسان صبح اٹھ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کو ذمہ دارانہ مساجد اپنی دلچسپی کا ثبوت نہیں دیا ہوتا یہ ہے کہ ہمارے کتنے ایسے اخوان ہیں کتنے ایسے بچے ہیں جو جامعات سے فارغ ہوتے ہیں کوئی حافظ قرآن ہے کوئی عالم دین ہے کوئی قاری ہے ان جامعات سے فارغ ہوتا ہے اور جامعات سے فارغ ذریعے معاش کے لیے وہ چاہتا ہے کہ کہیں سیٹ ہو جائے کہیں مناسب اس کی سروس مل جائے لیکن جب اسے کوئی ایسی مناسب جگہ نہیں ملتی ہے تو انسان بے لائن ہو جاتا ہے انسان جو کچھ ہم نے 18-20 سال میں اس کیمپ سے فائدہ اٹھایا
तकरीबन डॉक्टरों की एक टीम जो तीन डॉक्टरों पर मुस्तमिल थी, हमारे मुंबरा से डॉक्टर थे, तो बहरहाल इन तीनों डॉक्टरों ने अपना कीमती वक्त वहां सर्व किया और इस तरीके से इस मेडिकल कैंप से 320 लोग पिछले 28 दिसंबर को मुस्तफिद हुए और क्षेत्र के साथ साथ जो जरूरी दवाएं होती हैं टूथपेस्ट है या पल्स है या दूसरी जो जरूरियात की चीजें थी वो भी फ्री नसीब की गई और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी इस किस्म के रफाही काम किए जाएंगे। और दारू साहब फाउंडेशन की सरगर्मियों में से एक सरगर्मी ये तकरीब तकसीमी इनामात जो आज नदी की गई है, खवातीन ने दीन बेदारी पैदा करने के लिए और खवातीन ने जो उनके मखसूस मसाइल हैं जिनसे वो नाबलद होती हैं और रोशनास कराने के लिए इनामी मुकाबला भी पिछले महीने में रखा गया और हमारी माए बहने बड़ी ही मुबारकबाद कि उन्होंने बड़ी दिलचस्पी का मुजाहरा किया और तकरीबन 465 या 470 खवातीन ने रब्ता करके दारू साहब फाउंडेशन की ऑफिस से किताबों को तैयार की और दर्जे दावे के शब्द में जवाब तकरीबन 365 के जवाब हमारे पास आए तो ये इनामी मुकाबला की तहरीरी शक्ल में खवातीन का रखा गया और आइंदा फ्यूचर में भी इंशाअल्लाह इस किस्म के इनामी मुकाबला रखे जाएंगे। आइंदा जो इनामी मुकाबले की शक्ल होगी इंशाअल्लाह वो बच्चों की होगी कि बच्चों को असारे मसनूआ जो सारे स्वर छोटी छोटी सूरतों को हिफ्ज करें और असारे मसनूआ मसनून दुआएं घर में दाखिल होने की निकलने की कजाए हाजत की सोने से बेदार होने की खाने के बाद की यानी जो असारे मसनूआ है इन दुआ इरादा है। तो कहने का मतलब ये है कि इस किस्म की सरगर्मियाँ दारुल खैर फाउंडेशन के जरिए से अंजाम दी जा रही है। हम उन तमाम इखवान के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने मादी और मानवीय नाहिये से चाहे मादी नाहिये से भी उन्होंने काम किया हो या मानवीय नाहिये से भी कि उन्होंने अपनी राय पेश की हो कि मौलाना ऐसा कर लिया ऐसा कर ले तो ऐसा बेहतर होगा। किसी भी तरीके से हमारे जिस भी भाई का दारू फाउंडेशन की इन सरगर्मियों को मजीद आगे बढ़ाने के काम बढ़ा है या रहेगा हम तमाम लोगों के बड़े दिल से शुक्रगुजार हैं। अल्लाह तआला से दुआ है कि अल्लाह तआला हमारी इन कोशिशों को कबूल फरमाए और इस मजलिस में हाजिर होना हम तमाम लोगों के लिए दरीन जाना है। अब चूंकि हमारे दरमियान हमारे पड़ोसी मुअज्जज और मुकर्रम शेख हमारे खुसूसी बदरुद्दीन शेख मुकीम तशरीफ फरमा है और अगर ये कहा जाए तो बेजाना होगा कि शहर की हाजिरी नहीं होती तो उसके शुरू करता है तो बहरहाल हमारे जनाब हमारे शहर मुंबरा के करने वाले शेख मुकीम तशरीफ फरमा है। मैं शहर से बड़े ही अदब एहतराम के साथ गुजारिश करूंगा कि शहर आए और अपनी तालिबान को पेश करें। अल्लाह साथ है और एक मोमिन
हर हाल में खुद जिम्मेदार और उसके हर काम को सोच समझ कर होना चाहिए और अल्लाह तआला ने जो पैमाने मुकर्रर किए हैं उन पैमानों की रोशनी में उन्हें अंजाम देना किया जाना चाहिए। वक्त बहुत ही मुख्तसर है, मैं बहुत लंबी तौहीद नहीं मांग सकता। फौरन मौजू पर आते हुए देखिए, जैसे आपने एक मुसाबिका मुनाकिद किया तो सवाल ये पैदा होता है कि ये मुसाबिका क्यों मुनाकिद किया गया है, इसकी अहमियत क्या है, इसकी शरीयत से जायज है, नाजायज है, मुस्तहब है, मकरूह है, क्या इसकी हैसियत है और इससे फायदा मिलेगा कौम को। ये तमाम बातें पहले से इसकी स्टडी होनी चाहिए, इसका मुताला होना चाहिए, इसके बारे में हुक्म नाजिल होना चाहिए। आज वो पता है पूरी कौम में कि कभी कभी और आदमी समय में जो काम करता है उसको शुरू कर देता है, जहाँ से जाता है वहीं शुरू कर देता है, जहाँ जाता है वहीं खत्म कर देता है। ताकि उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। अब
مزید طول نہ دیتے ہوئے اب ہم تقسیم انعامات کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. پیچھے جو لوگ انعامات لائے میرے آگے آئے خواتین ایسی ہیں جنہوں نے 100 نمبرات حاصل کیے ہیں. 115 خواتین ایسی ہیں جنہوں نے پورے 100 نمبر حاصل کیے ہیں. تو پہلے پورا اندازے کا سلسلہ جو شروع ہوگا جس میں فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے والی خاتون کو فریز اور سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنے والی خاتون کو واشنگ مشین اور تھرڈ پوزیشن حاصل کرنے والی خاتون کو سلائی مشین انعام بھی دیا جائے گا. اور اس کے بعد میں مزید کچھ انعامات ان کے تشریف جائے کے لیے جو کھڑے کی شکل میں ہوں گے. اور اس کے بعد میں قریب 246 یا 248 خواتین ایسی ہیں جن کے نمبرات 90 سے 98 تک ہیں, ان کے لیے بھی تفصیلی انعامات ہوں گے اور وہ بھی قرآن دادی کی شکل میں ان کے درمیان بھی تقسیم کیے جائیں گے. جو نہیں دوسروں
मेरे जो मौजूद है सारे आप लोग माफी नहीं सुनना यानी उनको इनाम के लिए आए हैं। इनाम से बेहतर चीज थी कि औला के जो बयान थे उनके बयान उससे मुस्तफीद होते। सुबह वो दीन चाह रहे थे ना दुनिया चाह रहे थे तो उनका सलाह यही कि दूसरों को दे दिया जाए। खान शाहीन सुल्ताना अली साकिना का खान शाहीन सुल्ताना अली नुजहत मकबूल हसन नुजहत मकबूल हसन 940 नंबर नुजहत मकबूल हसन 940 परवीन मोहम्मद अबरार घाट को परवीन मोहम्मद अबरार घाट को रहाना खातून शिवली नगर रहाना खातून शिवली नगर रहाना खातून इनके वाले का नाम करम हुसैन है। करम हुसैन सही नहीं करमुल्ला होना चाहिए। हाँ रहाना शिव खातून करमुल्ला रोशन जहां हैदर अली 100 नंबर रोशन जहां हैदर अली 100 नंबर जकिया अबुल कासिम कालीना 125 नंबर जकिया अबुल कासिम कालीना खुला खुशनुमा मुश्ताक अहमद कौसा 141 नंबर खुशनुमा मुश्ताक अहमद कौसा 144 नंबर 141 खुशनुमा मुश्ताक अहमद 141 फिर ऐसा भी हो सकता है कि सरप्रस्त ना आए हूँ खातून आई हुई हूँ अगर उनके नाम सुनाई पड़े हैं तो बाद में दारुल खैर फाउंडेशन की ऑफिस में आ करके अभी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा करके अपने इनाम को ले सकते हैं। अभी ऐसा होता है कि घर का सरप्रस्त है कहीं मशगूलियत आ गई मशगूलियत होकर चला गया नहीं आ सका तो अपने रजिस्ट्रेशन नंबर ला करके भी दारुल खैर फाउंडेशन की ऑफिस से अपने इनाम ले सकते हैं। कलसूम शफीक अहमद मौसा शफीक
तकसीम किया जा रहा था जिनके नंबरात 100 में 100 थे। अब दूसरा सिलसिला शुरू हो रहा उन खवातीन में तस्जी इनामात तकसीम करने का जिनके नंबरात 100, 90 और 100 के बीच में 92, 92, 95, 98, 99 यानी 100 से 90 से ऊपर और 100 से नीचे और उनके दरमियान 20 इनामात थे जो उनके दरमियान की वो इनामात का अंदाजे के हिस्से में तकसीम की गई। अभी उनके नाम का सिलसिला शुरू हो रहा नंबर
परवीन कौशल अब्दुल रहमान सोलह को, परवीन कौशल अब्दुल रहमान सोलह को, रोबीना रिजवान कुल्ला खवातीन अपनी जगहों पर मौजूद हैं, खवातीन के लिए मुस्कुरात के लिए जो जगह मुतय्यन की गई उन्हीं पर तशरीफ रखते हैं। अस्मा यासीन खान फिरोजपुरला, खान मागीना फिरोजपुरला, रुखसाना शफीउल्लाह कौसा 71 नंबर, रुखसाना शफीउल्लाह कौसा 71 नंबर, बुधवार बेबी आयशा ताजुद्दीन सोलापुर, बुधवार बेबी आयशा ताजुद्दीन 402 सोलापुर, सारा मोहम्मद ईसा कौसा 257 नंबर, सारा मोहम्मद ईसा, कलसूम सलमानी 401 नंबर, कलसूम सलमानी 401 नंबर, माहेरुख हिसाबुल्लाह 20 नंबर, माहेरुख हिसाबुल्लाह 20 नंबर, तफसीली इनामात का यह सिलसिला खत्म हुआ। अब हम आप लोगों के साथ उसी